हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाई आप सभी एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये रिक्शा भाई रिक्शा की मोटर है और इसी रिक्शा की मोटर के अंदर देखो पानी चला गया, इसकी क्या कंडीशन रह चुकी है और साथ में इसके मैग्नेट पर साथ के साथ जर लग चुका भाई। देखो कल हमारे पास ये आई थी ये रिक्शा और चलते चलते इसकी पहले तो मोटर गिर गई थी और मोटर गिरने की वजह से बारिश का थोड़ा मौसम चल रहा है जिसकी वजह से इसके अंदर पानी बढ़ चुका है। अगर आपकी रिक्शा में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, पानी बढ़ जाता है, तो हमें किस तरीके से मोटर को वैसे ही ठीक करना है तो आप इस वीडियो में बने रहें। कुछ भी पूछना हो भाई कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे बात कर सकते हैं। बताओ भाई ने खराब बताओ। तो दोस्तों, इसके अंदर भाई आपने किसी चीज से नहीं धोना मोटर को, आपको पेट्रोल से इस तरीके से साफ करना है ताकि इसके अंदर जो जर वगैरह बन चुका है वो अच्छे तरीके से साफ हो जाएगी। आपने मोटर को अच्छे तरीके से पेट्रोल से साफ कर लेना एक बार, कम से कम ये आपने 2-3 बार करना पड़ेगा क्योंकि भाई इसके अंदर जर ज्यादा हो जाता है और जर जब तक साफ नहीं होगा ना तब तक आपका मैग्नेट अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। और इसको आप सुखा देना थोड़ी देर, फिर इसके बाद फिर हम एक बार धोएंगे। मतलब ये प्रोसीजर आपने 2-3 बार करना है और साथ में भाई आपने जो सेंसर लगा होता है इसको जरूर चेक करवाना, चेक क्या इसको चेंज ही करवा दे भाई। मोस्टली अगर पानी में जाएगा तो सेंसर आपका खराब हो जाएगा, सेंसर बचेगा नहीं, इसको चेंज करवा दे, या फिर एक बार आपका बजट सही नहीं है तो आप इसे चेक करवा सकते हैं। लिया डे लिया ये पेटी नहीं रहे जेटा। तो भाई मोटर को आप इसको सुखने दे। तो भाई आप इस मैग्नेट को अच्छे तरीके से साफ करेंगे, इसी तरीके से जैसे मोटर को हमने साफ किया। अंदर थोड़ा सा भी जर नहीं छोड़ना, अभी अगर जर रह गया तो देखो मोटर की कॉइल को यहाँ से फिर से खत्म कर देगा। कोई भी रिक्शा होगी भाई, अगर आपकी मोटर में पानी चला जाता है तो आप इस तरीके से सफाई होगी। पेट्रोल से इसको साफ करना पड़ेगा, अदरवाइज केरोसिन वगैरह से मत साफ करें क्योंकि इन वायर के अंदर कॉइल के अंदर पेट्रोल जाएगा तो जल्दी छूट के साफ हो जाएगा, केरोसिन उड़ेगा नहीं इसमें, फिर आपको 1-2 दिन का समय लगेगा। और इस पेट्रोल से साफ करें कम से कम 1 घंटे में आप मोटर आराम से छूट जाएगा। साथ में अपनी इस प्लेट का बैरिंग जरूर चेक करना भाई। Thank you.
करते थे किसको छूटने देना, ये प्रोसीजर आपने 3 बार करना भाई, ऐसे 3 बार ऐसे रूटीन में करके फिर इसको छूटने देना।